16 मई 2008 को नोएडा में हुई थी आरुषि की हत्या। घर से मिला था 9वीं की छात्रा आरुषि का शव। आरुषि के मम्मी पापा पर लगा था हत्या का आरोप। सीबीआई कोर्ट से उम्र कैद, लेकिन हाई कोर्ट से बरी। आज 4 साल बाद आरुषि के मम्मी पापा की रिहाई। सवाल बरकरार, आरुषि का कातिल कौन? एबीपी न्यूज पर बड़ी कवरेज लगातार। एबीपी न्यूज पर बड़ी कवरेज आप देख रहे हैं। नोएडा के आरुषि हत्याकांड में आज बड़ा दिन है। इलाहाबाद हाईकोर्ट से बरी होने के बाद आज आरुषि के माता पिता गाजियाबाद के डासना जेल से रिहा होंगे। एबीपी न्यूज पर आज दिन भर आप बड़ी कवरेज देखेंगे। सबसे पहले बड़ी बातों के लिए सीधे रुक कर लेते हैं न्यूज रूम का ज्योति के पास। जी शुक्रिया चित्रा। तो आज बहुत बड़ा दिन आरुषि के मम्मी पापा के लिए, चूंकि आज 4 साल बाद उनकी रिहाई होने जा रही है। सबसे पहले अपने दर्शकों को बड़ी बातें बता देते हैं कि आज क्या होने वाला है। ये देखिए आपके सामने बड़ी बातें। सबसे पहले आज आरुषि के मम्मी पापा जेल से रिहा होंगे और 4 साल बाद जेल से उनकी रिहाई होगी। हाईकोर्ट के जो आदेश की कॉपी है वो सीबीआई कोर्ट को सौंपी जाएगी और उसके बाद सीबीआई कोर्ट में बॉन्ड सिक्योरिटी भरने के बाद रिहाई का आदेश जारी किया जाएगा और सीबीआई कोर्ट का आदेश जेल पहुंचने के बाद ही ये रिहाई होगी। और इसके अलावा बता दें सीबीआई कोर्ट से उम्रकैद की सजा मिली थी, हाईकोर्ट ने हालांकि बरी कर दिया था। ये क्या हुआ था ये हम आपको बता रहे हैं। सीबीआई की जो निचली कोर्ट है वहां से उम्रकैद की सजा बाद में हाईकोर्ट से बरी किया गया। 16 मई 2008 को आरुषि की हत्या हुई थी और लेकिन अभी भी चित्रा बड़ा सवाल ये है कि गुत्थी जो है वो अभी भी अनसुलझी हुई है। आरुषि का कातिल कौन है, ये सवाल अभी भी बरकरार है। चित्रा बिल्कुल सही कहा आपने, 9 साल बीत चुके हैं इस पूरे के पूरे मामले को, लेकिन आज भी सवाल वही है, आरुषि और हेमराज का कत्ल आखिर किसने किया। वहीं आज का दिन तलवार दंपति के जीवन में नया सवेरा लेकर आने वाला है, क्योंकि आज मुमकिन है तलवार दंपति की रिहाई डासना जेल से हो जाएगी। सीधे रुख करेंगे डासना जेल का ही, जहां से हमारे संवाददाता गौरव श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं और ज्यादा जानकारी के साथ। गौरव, तलवार दंपति के लिए आज नया सवेरा है, जेल के अंदर से किस तरह की जानकारी मिल पा रही है? देखिए जानकारी अभी जो फिलहाल है कि अपना जो रूटीन है उसके बाद अब तलवार दंपति इंतज़ार इस बात का कर रही है कि कब उनके वकील जल्द से जल्द, जैसे ही गाजियाबाद में स्पेशल सीबीआई कोर्ट खुलती है वहां पर जो सर्टिफाइड कॉपी वो इलाहाबाद हाई कोर्ट से लेके आए हैं रिहा होने के आदेश की, उसको यहां पर जमा करेंगे, यहां से रिहाई के आदेश बनेंगे। और अनुमान यह है कि तकरीबन 12 से 1 के बीच में वो कॉपी यहां पर रिहाई आदेश की पहुंच जाएगी। उसके बाद उनका एक मेडिकल टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा और तकरीबन 1 घंटे की प्रक्रिया हम मान के चल सकते हैं लगेगी। उसके बाद उनके जितने भी सामान हैं और इनकी जितनी भी आजीविका जेल के दौरान कैदी बने रहने के दौरान रही है उसका एक हिसाब भी किया जाएगा और उसके बाद उन्हें यहाँ से जाने दिया जाएगा। और जाहिर सी बात है कि देश के सबसे बड़े मर्डर मिस्ट्री में, जिसमें एक माता पिता अपनी ही बेटी की हत्या के दोष में 4 साल, पूरे 4 साल लगभग होने जा रहे हैं। नवंबर 2013 में वो लोग इस डासना जेल में आए थे और अब वो लोग यहाँ से निकलेंगे। और ये गेट जो आप देख रहे हैं ये एक सीधा गेट है, यही एक गेट है और जहाँ से निकलना है। और सारी नज़रें, देश भर की मीडिया की नज़रें यहीं पर गड़ी हुई हैं, सब के सब यहीं पर हैं। कुछ लोग अपनी खुद रुचि के वश यहाँ पर आकर खुद खड़े हैं कि आखिर जब तलवार दंपति निकलेगी तो वो कैसे होंगे, क्या होगा। अपनी रुचि से भी लोग खड़े हुए हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, पूछ रहे हैं और सवाल वही तब भी बना रहेगा कि आखिर आरुषि को मारा किसने। लेकिन इन सब के बीच में लगातार आरुषि की जो माँ है नुपुर तलवार और चाहे राजेश तलवार हो, उन लोगों ने ये कहा है कि यहाँ से निकलने के बाद वो इंसाफ की लड़ाई लड़ेंगे। हालांकि देखने वाली बात होगी कि वो इस इंसाफ की लड़ाई को कैसे लड़ते हैं जब इस तरीके का कंफ्यूजन जो अलग अलग तरह की जांच हुई उसमें उसको लेकर पैदा हो गया। हालांकि इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो एक आदेश है वो कहीं ना कहीं कहता है कि उन्होंने हत्या नहीं की है, लेकिन हत्या के दोष में वो लोग बंद रहे। लेकिन अब ये देखने वाली बात होगी कि जो नुपुर और राजेश तलवार हैं वो तकरीबन 1 बजे के बाद निकलकर क्या प्रतिक्रिया देते हैं, ये बहुत देखने वाली बात होगी। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा कि बाहर निकलने के बाद पहली प्रतिक्रिया तलवार दंपति की क्या रहती है, क्योंकि 4 सालों की ये लंबी लड़ाई, जेल के अंदर वो थे, 9 साल पुराने ये पूरा का पूरा मामला, पिछले 3 दिनों से तो रिहाई का ही इंतजार किया जा रहा है। अब 1 बजे के आसपास माना जा रहा है तलवार दंपति जेल से बाहर आएंगे। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।